मदर्स को पता हो कि इसको हमने कैसे करना है, तो हमेशा ये याद रख लें, क्योंकि मेरे से अगर अपने अगर फ्रेंड बच्चे होते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते, लेकिन क्योंकि फ्रेंड नहीं है मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जो अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं, कोई बच्चा कोई बड़ा अगर आपको कि डायपर उठाने के लिए आता है, मैं कुछ नहीं तो ऐसा बड़ा ही है, अगर मैंने उठाने की कोशिश की है तो आपने बेटा क्या करना है, इमीजिएटली जैसे ही मैं उठाने की कोशिश की आपने फौरन मेरी टांग से लिपट जाना, नहीं आपने उठाने लगाओ आपने बैंड होना बैठे फौरन बैठ जाए बैठ के टांग पकड़ लें और कैंची लगा रहे हैं उठाने की कोशिश की होगा और साथ ही आपने क्या करना है, शाउटिंग करनी है, बचाओ 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 बोलो ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर इन्होंने पकड़ा मैं इनको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए हम थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अब गेट छोड़नी नहीं आते, पकड़ो मेरे पकड़ो साथ में क्या वो भी लॉक कर रहे हैं, ये साथ अपने चीखने अब आपने साथ शॉर्ट कर रही है, वहाँ उठाने की कोशिश कर रहा ठीक है, लाइक ये बाइक खड़ा है या गाड़ी है मैंने उसमें डालना है वहाँ जाना, अब देखिए मैं इनको फौरन कोशिश कर रही है, ये छोड़ना साथ में बोल रहे आपको अगर कुछ लंबे मिल जाते हैं तो कोई आपका राह गुजर होता है, कोई साइड में गुजरने वाला होता है, शॉप कीपर होता है, फौरन आपके आके आपको बचा सकता है ठीक है। दूसरी चीज अगर यहाँ से इनको मौका नहीं मिला बैठने का लॉक लगाने का और यहाँ से ये फा लिया क्यों, अब ये क्या करेंगे ठीक है, इन्होंने अब क्या करना है, आपकी अंगूठे आपने इसने बोलना शाउटिंग शाउटिंग ये बचाओ बचाओ और साथ अंगूठों से आंखों को ये प्रेस करना यूं आपने अंगूठों से, ये चाहे गर्ल्स है बॉयज है बच्चों को स्पेशली क्योंकि बच्चों को उठाया जाता है, फौरन इमीजिएटली करो प्रेस करो प्रेस करो और जोर से ठीक है, निकाल दो यार आप देखें इधर कहिए आंखें निकल जाए, तो मुझे नहीं आप अपना आपका कानून है लॉ भी कहता है आपने अगर सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार भी देते हैं ना तो आप लोग केस नहीं होते ठीक है, अगर आपको किडनैप करके लेके जा रहा है और आपने उसकी आंखें निकाल दी तो आपने अपने आपको बचा लिया ना, तो खुदा का खासा बच्चा किडनैप हो जाए तो फिर पेरेंट्स से पूछे कि कितने बुरी यानी उनकी हालत होती है, जब तक बच्चा मिल ना जाए तो उनके लिए जिंदगी अजाब हो जाती है, तो अपने आप को बचाना बड़ा जरूरी है ठीक है। दूसरी चीज अगर बच्चा यूं खड़ा है और बच्चे को यूं उठा लिया आप देखिए कैसे आंखें निकालेगा, मेरी आपको नहीं निकाल सकता आप बेटा, आपने क्या करना है सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी टांगों को आपने जोर जोर से हिलाना है ठीक है, टू डाइवर्ट द टेंशन और गेन सम टाइम अपना कुछ टाइम लेने के लिए वो इमीडिएटली ग्रिप पर लूज है, मैं उठा रहा अब टांगे लेके आए मारे ये दो दोस्त टांगे मारे ये ठीक है, जोर जोर से आपने टांगों को मिलाना है ठीक है। बेसिकली ये चीजें दिखाने का मकसद आपको अवेयरनेस देना है कि आप किन किन चीजों से अपने आप को किसी मुश्किल वक्त में किसी खतरे से मैं आप दोचार हो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, टेक्निक्स बेशुमार है, काफी लंबा सेशन हम कह रहे तो हो सकता है, लेकिन बच्चों के वाले से कुछ चीजें मैंने बताई और एक चीज चले और बता देता हूँ पेंसिल के साथ, तो मदर्स को पता हो कि इसको हमने कैसे करना है, तो हमेशा ये याद रखें क्योंकि मेरे से अगर अपने अगर फ्रेंड बच्चे होते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते, लेकिन क्योंकि फ्रेंड नहीं मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जो अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं, कोई बच्चा कोई बड़ा अगर आपको कि डायपर उठाने के लिए आता है, मैं इनको चुन लेता हूँ सब बड़ा ही है, अगर मैंने उठाने की कोशिश की है तो आपने बेटा क्या करना है, इमीजिएटली जैसे ही मैं उठाने की कोशिश की आपने फौरन मेरी टांग से लिपट जाना,
नहीं आपने उठाने लगाओ, आपके बैंड वाले बैठे क्यों नहीं बैठे, बैग के काम पकड़ने और कैंची लगा रहे, कैंची लगा रहे फॉर्म को क्रॉस कर देंगे, उसी को मार देंगे और दूसरा फॉर्म भी अगल है, अगल है ये क्रॉस कर खिलाड़ी सेट है। ये देखने में इट्स क्वाइट फनी, ठीक है थोड़ा फनी से, लेकिन इट्स आल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक। अगर किसी ने उठाने की कोशिश की और इमीजिएटली आप बैठ गए, बिना बैठ के आपने ग्रिप कर लिया, अब देखिए क्या होगा। और साथ ही आपने क्या करना है, शाउटिंग करनी है, बचाओ बचाओ बचाओ, बोलो ठीक है बचाओ बचाओ, ठीक है। अब देखिए अगर इन्होंने पकड़ा, मैं इनको उठाने की कोशिश कर रही है, देखिए हम थोड़ा सा टाइम लगा, अब ग्रिप छोड़नी नहीं आता, पकड़ो मुझे पकड़ो साथ में, क्या वो भी लॉक कर रहा है ये साथ आपके चीखने, अब आपने साथ शॉर्ट करनी है, वहाँ उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लाइक ये इधर बाइक खड़ा है या गाड़ी है, मैंने उसमें डालना है वहाँ जाना, अब देखिए मैं तो पूरा कोशिश कर रही है, ये मुझे टाइम लग रहा है, छोड़ दे होगा वेरी सिंपल है। आया किसी देखा बच्चे तो फोन चाहे उठा दे, एक लम्हा लगता है, लेकिन टेक्निक है जैसे ही मेरा आपने फील हो गया कि आपको खाने के लिए आ रहा, आपने फोन नीचे बैठ के टांग पकड़ लेनी, मैं आपको खाने के लिए आया फोन नीचे बैठो फोन इमीडिएटली, ठीक है कैंची लगा देंगे, ठीक है उसको कैंची हम बोलते हैं, ठीक है। और इसे पकड़ लेना टाइट, और साथ में आपकी शॉटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह है कि आपको अगर कुछ लम्हे मिल जाते हैं तो कोई आपका रामगुजर होता है, साइड में गुजरने वाला होता है, शॉक की फोन है फोरन बात के आगे आपको बचा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर तो यहाँ से इनको मौका नहीं मिला बैठने का, लॉक लगाने का, और यहाँ से ये उठा लिया, क्यों अब ये क्या करेंगे, ठीक है। इन्होंने अब क्या करना है, आपकी अंगूठे आपने इसी में बोलना है शाउटिंग शाउटिंग के बचाओ बचाओ, और साथ अंगूठों से आँखों को भी प्रेस करना है, जिसमें नोट आ रहा ये अंगूठे प्रेस करिए, प्रेस करें जोर लगाएं, जोर लगाएं और जोर लगाओ और जोर लगाओ, ठीक है। ये भी कम जोर लगा रहा है, आपने अंगूठों से ये चाहे गर्ल्स हैं बॉयज हैं बच्चों को स्पेशली, क्योंकि बच्चों को उठाया जाता है, ये जब मैं आ रहा हूँ अब फौरन इमीजिएटली करो प्रेस करो प्रेस करो और जोर से, ठीक है। निकाल दिया आप देखें इधर करिएगा आप ही निकल लें, तो मुझे बताए आप अपना आपका जो कानून है लॉ भी कहता है, आपने अगर सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार भी देते हैं ना तो आपके ऊपर केस नहीं होता, ठीक है। अगर आपको तो किडनैप करके लेके जा रहा है और आपने उसकी आँखें निकाल दी तो आप कहते हैं वो तो बचा लिया ना, तो फिलहाल यहाँ से बच्चा किडनैप हो जाए तो फिर पेरेंट्स से पूछें कि कितने बुरी यानी उनकी हालत होती है, जब तक बच्चा मिल ना जाए तो उनके लिए ज़िंदगी अजाब हो जाती है, तो फिर आपको बचाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बच्चा यूँ खड़ा है और बच्चे को यूँ उठा लिया, आपने कैसे आँखें निकालेगा, मेरी आपको नहीं निकाल सकता, आप बेटा आपने क्या करना है सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी टांगों को आपने ज़ोर ज़ोर से उठाना है, ठीक है, टू डाइवर्ट द अटेंशन और टू गेन सम टाइम, कि अपना कुछ टाइम लेने के लिए वो इमीडिएटली ग्रिप थोड़ी सी लूज़ है, मैं ये उठा रहा अब टांगे लेके आए मारे ये दो टांगे मारे ये, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से आपने टांगों को हिलाना है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें दिखाने का मकसद आपको अवेयरनेस देना है कि आप किन किन चीज़ों से अपने आप को किसी मुश्किल वक्त में किसी खतरे से में आप दो चार हों आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। टेक्निक्स बेशुमार हैं, काफ़ी लंबा सेशन हम करें तो हो सकता है, लेकिन बच्चों के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने बताई, और एक चीज़ चलिए और बता देता हूँ पेंसिल के साथ